जब मनुष्य के पुत्र का आगमन अपने प्रताप में होगा और सभी स्वर्गदूत उसके साथ होंगे तब वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा और उसके सामने सभी राष्ट्र इकट्ठा किए जाएंगे वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से वो भेड़ों को अपनी दाई और स्थान देगा तथा बकरियों को अपनी बाई और तब राजा अपनी दाई के समूह की तरफ देख कर कहेगा, मेरे पिता के उस के को स्वीकार करो जो तुम्हारे लिए सृष्टि की स्थापना के समय से तैयार किया गया है इसलिए कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने यहाँ स्थान दिया मुझे वस्त्रों की जरूरत थी तुमने मुझे वस्त्र दिए मैं जब रोगी था तो मुझे देखने आए मैं बंदी ग्रह में था तुम तो मुझसे भेंट करने आए तब धर्मी इसके उत्तर में कहेंगे प्रभु हमने कब आपको भूखा पाया और भोजन दिया प्यासा देखा और पानी दिया कब हमने आपको परदेशी पाया और आपको अपने यहाँ स्थान दिया आपको वस्त्रों की जरूरत में पाया और वस्त्र दिए हमने आपको कब रोगी या बंदी ग्रह में देखा और आपसे भेंट करने आए राजा उन्हें उत्तर देगा सच तो ये है कि जो कुछ तुमने मेरे इन लोगों में से किसी एक के लिए किया यहाँ तक कि छोटे से छोटे के लिए भी वो तुमने मेरे लिए किया तब राजा अपने बाएं पक्ष के समूह से उन्मुख कहेगा मुझसे दूर हो जाओ शापितों अनंत में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है क्योंकि मैं जब भूखा था तुमने मुझे खाने को ना दिया मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना दिया मैं परदेशी था तुमने अपने यहां मुझे स्थान ना दिया मुझे वस्त्रों की जरूरत थी तुमने मुझे वस्त्र ना दिए मैं रोगी और बंदी ग्रह में था तुम तो मुझसे भेंट करने ना आए तब वे भी उत्तर देंगे प्रभु भला कब हमने आपको भूखा प्यासा परदेशी वस्त्रों की जरूरत में या रोगी तथा बंदी ग्रह में देखा और आपकी सुधी ना ली तब राजा उन्हें उत्तर देगा सच तो ये है कि जो कुछ तुमने मेरे इन लोगों में से किसी एक के लिए यहां तक कि छोटे से छोटे तक के लिए नहीं किया वो तुमने मेरे लिए नहीं किया ये सभी अनंत दंड में भेजे जाएंगे किंतु धर्मी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे